हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लॉक कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव को एंड पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं एंड अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम से बहुत इजीली एंड फास्ट। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप दिस पीसी ओपन कीजिए एंड अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंसर्ट करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पेन ड्राइव में कुछ इमेजेस और वीडियोस हैं। आप अपनी पेन ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिए एंड टर्न ऑन बिटलॉकर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। देन यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव पे क्लिक कीजिए एंड अपना पासवर्ड एंटर करिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप अपना पासवर्ड माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे सेव कर सकते हैं या फिर आप एक फाइल में सेव कर सकते हैं या फिर आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं अपनी रिकवरी की का। मैं इसे फाइल में सेव करूंगा। देन सेव पे क्लिक कीजिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप यहां से चूज कर सकते हैं कि आपको अपनी पेन ड्राइव में यूज्ड स्पेस को इनक्रिप्ट करना है या फिर पूरी पेन ड्राइव को इनक्रिप्ट करना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देन स्टार्ट इनक्रिप्टिंग पे क्लिक कीजिए। यहां पे कुछ टाइम लगेगा। देन क्लोज पे क्लिक कीजिए। आप अपनी पेन ड्राइव को रिमूव करिए पीसी से एंड उसे दोबारा इंसर्ट करिए। सक्सेसफुली हमारी पेन ड्राइव पे अब लॉक लग चुका है। अब अपनी पेन ड्राइव को ओपन करिए डबल क्लिक से। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आएगा। आप उसमें पासवर्ड एंटर करिए एंड देन अनलॉक पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव अब अनलॉक हो चुका है एंड हम अपनी सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इस लॉक को रिमूव करना है तो आप पेन ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिए, देन मैनेज बिटलॉकर पे क्लिक कीजिए, देन टर्न ऑफ बिटलॉकर पे क्लिक कीजिए, देन टर्न ऑफ बिटलॉकर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। देन क्लोज पे क्लिक कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारी पेन ड्राइव अनलॉक हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बिलो।